बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, माँ बाप की दुआओं से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्लॉग आपने लास्ट तक देखना है। देर ना करते हुए सबसे पहले जी बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरह। जी आपकी भाभी किचन में क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम फरहत। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब लोग कैसे हैं? कैसा गुजर रहा है आपका रोजा गर्मियों में? गर्मियों में तो फिर जी। बस जी, जिसने रोजा रखा होता है अल्लाह पाक उसे सब्र दे देता है जी। तो आप क्या कर रही हैं? चिकन धो रही हैं? चिकन वॉश कर रही हूँ और आज मैं भी आलू चिकन के कबाब बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा फेवरेट है। क्या बात है जी, क्या बात है। देखिए जी गाइस, आपकी भाभी ने, अच्छा ये क्या, आलू भी वॉश कर लिए, चिकन भी, इनको इकट्ठा ही बॉइल करूंगी मैं। इकट्ठे जी? इकट्ठे बॉइल। बॉइल करने के बाद? जी, बॉइल करने के बाद फिर आलू को मतलब मैश कर लूंगी और चिकन भी मैश कर लूंगी जी। हड्डियां अलग हो जाएंगी चिकन की भी, फिर उसमें मसाला वगैरह काटूंगी, मसाले डालूंगी, फिर फ्राई करूंगी। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। सो गाइस आप भी ऐसा कीजिएगा, ये नया तरीका मैंने देखा है, पता नहीं शायद मैंने पहले बनते ही नहीं देखे। चलें जी, अब हो गया सिलेंडर ख़त्म, अब सिलेंडर पर भाग के आना पड़ना है। आपकी भाभी बना रही थी इफ्तारी का सामान, जो कि अब सारा क्लोज करके रख दिए, तो अभी इसको पहले भर भाग के लाते हैं, फिर आगे जाके वो मज़ीद स्टार्ट कर पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज कर रही हूँ अपनी कबर्ड को सेट, सब अभी मैंने क्लोज कर दिया, तकरीबन मेरा 90% हो गया, बस ये थोड़ा सा रह गया। क्योंकि जब रेडी होना होता है या फिर सर ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दी जल्दी में करती हूँ, उसके बाद ना यूज करने के बाद मैं ऐसे घुमा के अंदर टाइम देती हूँ, तो फिर जिस दिन मेरा टाइम मिलता है, मुझे फ्री टाइम होती हूँ, तो तब मैं ये सारी सेटिंग करती हूँ। तो हमने रोज़ा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद नमाज कुरान पाक करके फ्री होकर टाइम जो नहीं गुजर रहा था, तो मैंने कहा ये काम जो करने वाले हैं वो कर लूँ, करने के बाद रिलैक्स होकर सो जाऊँगी। एसी ऑन की है, अब रूम ठंडा ठंडा हो गया, अब तो हमें नींद आने वाली है, बस ये काम कम्प्लीट करते ही फिर इंशाल्लाह मैंने सो जाना। वो जो आपने आलू और चिकन बॉईल करने के लिए रखा था वो निकाल दिया आपने इसमें से? मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपने बॉईल करने के लिए रखा था वो स्टार्ट कर दिया था या क्या? जी मैंने स्टार्ट कर दिया था, जैसे मैंने चूल्हे पर रखा थोड़ी देर बाद सिलेंडर खत्म हो गया, चूल्हा बंद हो गया, तो इसलिए आप जल्दी से सिलेंडर भरवा के लाते हैं। अच्छा मैं अभी ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ। चिकन भी बॉयल हो गया, आलू भी बॉयल हो गए, टमाटर प्याज भी आपकी भाभी ने काट लिए, और ये बच्चा अब तंग करने लग गया था ना, ये अब तंग करने लग गया, तो मुझे बनाने नहीं दे। लेकिन 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 ये बच्चा, इसको मैंने उठाया हुआ, इसको आपकी भाभी ने उठाया हुआ है, लेकिन अब इसको भी मुझे उठा के कहीं रूम में लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपकी भाभी इजी हो के ये सब कुछ बना सके। सो मैं भी ले जाता हूँ फिर जी। जामे शीरी बन रहा है अब, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोजे को थोड़ा ही टाइम, जामे शीरी इफ्तारी को थोड़ा टाइम रह गया। जी जी आप बोले, सॉरी मैं ये कह रही थी इफ्तारी में जामे शीरी ना हो तो मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आता, फायदा ही नहीं है ना। जितने मर्जी जामे शीरी की अपनी ही बात है, अपनी ही बात है, सही बात। ये प्रमोशन नहीं है, ये हकीकत बात है जी, क्योंकि हम बचपन से जामे शीरी पीते आ रहे हैं। जामे शीरी नहीं, जामे शीरी, अगर ये ना हो तो उसकी बड़ी कमी फील होती है जी। कुछ कबाब बन और कुछ अभी रहते हैं, बहुत तेज है और छोटा बेबी बहुत। आओ जी, आपकी भाभी बना रही हैं कबाब और गाइस मेरा यहाँ से गुजर हुआ, हमारे ये सीधी का ना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही ये वाटर टैंकी है, इसके साथ ना चांद और रोशनी नीचे आती हुई बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, अब तो खैर चांद छुप गया, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। लेकिन जी निकल आया, शायद वैसा नज़र ना आ पा रहा हो जैसा कि मुझे रियल लाइफ में नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, सो दिल किया आप सबके साथ भी शेयर करूँ। आपकी भाभी की तरफ भी, ओ माय गॉड,
लगता आज मैं फिर लेट हो गया। बच्चे सोए पड़े, आपकी भाभी ने कहा कि मैं चुप करके जाऊं और जाके सहरी बना लूं, मुझे भी नहीं उठाया, लेकिन मैं फिर भी उठ गया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो अभी उठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखें जी, वाह यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। फरद आज आपने मुझे नहीं उठाया यार, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा था ना जी। अच्छा वो सही सही कितना रह गया अभी, अभी स्टार्टिंग ही है लगता है। इसका मतलब मैं बड़ी जल्दी टाइम से उठ गया, इसका मतलब लेट नहीं हुआ है ना। सो गाइज, आप सब भी हमारे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, जो लोग न्यू आए हैं जी उनको दिल से वेलकम। उनसे काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारी वीडियो तो देखते हैं हमें पता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर सब बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड किया करेंगे आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करेंगे, ठीक है। तो अच्छा अब देखें, आप सबके लिए हम व्लॉग्स बनाते हैं, बड़े प्यार से शौक से व्लॉग बनाते हैं जी। तो अगर आप तक पहुंचे ना तो फिर हमें दुख होगा ना, है ना भरत जी। तो आप तक पहुंचने चाहिए हर हालत में। अच्छा पराठे और साथ अंडे और साथ दही दही नींद में हो लगे बस जी, नींद में ऐसे ही होता है, बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चाय भी बच्चे सोने नहीं देते, बस आधा घंटे बस सोई थी मैं। अच्छा वो क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा क्या कहने लगा था, मेरे माइंड से बात निकल गई। आप बता रहे थे कि हम शहरी में क्या क्या लेते हैं, अंडे दही पराठे वो तो सब लेते हैं और चैनल के सब्सक्राइब की बात कर रहे थे। नहीं वो तो खत्म हो गई ना बात, और क्या कौन सी बात थी। चले कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, फिर मैं अब भूल गया मैं जा रहा हूँ। बहरहाल ये दिन बड़े अच्छे होते हैं, ये भी एक ना बड़ी यादगार मेमोरीज है हमारी, कैमियो सहरी कर रहे हैं, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। रमजान की रूटीन बड़ी अच्छा, वो बूढ़े होंगे फिर हम ये भी याद करेंगे। मैं यूं बाबा वो आऊंगा, मैं कहूंगा फरक वो वक्त याद है जब हम दोनों किचन में खड़े हुआ करते थे और आप पराठे बना रही हुआ करती थी और मैं आपके पास खड़ा हुआ करता था। ये मेमोरीज हमारे सेव है वैसे भी यूट्यूब में। ऐसे है, ये तो सारी मेमोरी सेव होगी यूट्यूब, हमारी सारी रूटीन जो भी हम करते हैं। लेकिन हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनकी भी एक किस्म की सेव होगी। क्यों कैसे? कैसे? वो जब हमारी वीडियोस देखेंगे ना बूढ़े बूढ़े हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे वो तो उनको भी अपना वो वक्त याद आएगा कि यार हम इस हालत में थे जब हम वीडियो देखा करते थे, अब हम भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़े हो गए, ये वो हो गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। खैर मजा आया करेगा फिर तो, है ना। एक तो हमारे घर में कारीगर बहुत ज्यादा है गाइस, देखें अब कारीगर ही नहीं है तो क्या। ये देखें, ये मैंने कहा कि मुझे बस सीधा सा अंडा बना दो जैसे होता है, मैं तो अपने लिए बहुत स्पेशल अंडा बनाऊंगी। बड़ी बात है यार। अच्छा ये आपको अच्छा लगता है इस तरह? मुझे ऐसे लेकिन मुझे तो ऐसे सादा सा पसंद है, हम तो सादे से लोग हैं। ये भी सादा ही है, ये कुछ ज्यादा ही सादा, बस ऊपर ही रख दी। कमाल करते हैं आप, वाह जी वाह। मम्मा जी आज तो बेड पे ही सहरी होगी। ईशी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हो, ठीक ठाक होंगे। और पांचवी सहरी आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने तो कर ली है, मम्मा बस जैसे उठी थी फ्रेश हुई है, वजू की है, फिर मैंने मम्मा को कहा कि आप यहीं पे कर लें क्योंकि मुझे आज ना इधर मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने कहा आप बेड के ऊपर ही सहरी कर लें। तो फिर मैं भी मम्मा के पास आ गई अभी, क्योंकि टाइम था अभी 4 बजे और अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, इसलिए मम्मा को बेड पे सहरी दे दी। मैं भी मम्मा के साथ बैठ के वेट कर रही हूँ अजान होने का। वाह जबरदस्त मम्मा जान, सबसे पहले चीनी खा लो। मम्मा जान अगर आपकी तबीयत खराब थी आप रोजा ना रखती फिर आज के? नहीं मैंने कर रखी लेते जी, मैंने सहरी कर ली है लेकिन आपकी भाभी की स्पीड बहुत कम है, इसलिए आपकी भाभी बड़ी कम स्पीड में कर रही है
और ये अंडा पड़ा है जी बच्चों का। अब मेरी सहरी में सिर्फ रह गई है दही और उसके बाद मैंने पीनी है चाय, फिर बिल्कुल एंड हो जाएगा। तब तक आपकी भाभी को देखते हैं कि ये एंड कर पाती हैं या नहीं कर पाती, अब भी फैसला हो जाएगा सारा। मैं तो उठ जाता है ना कर। और गाइस मजे, गाइस मजे की चीज आपको दिखाने लगा हूँ, जरा भी मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये सीन बार बार देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो देखने के लिए मिलता रहता है लेकिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कौन सा सीन है ये देखें, ये साथ ही उड़ जाते हैं और कहते हैं जी हमने झोली में लेटना, नहीं तो हमने कुछ करने भी नहीं देना। तो अभी झोली में ये मेरे लेटा हुआ था तो मैंने सहरी की है, अपनी मम्मा के पास भी नहीं है तो जाता, ये पापा का दीवाना है ना। ठीक है गाइस, अब टाइम हो गया जी इबादत का, सहरी हो गई है हमारी कंप्लीट, अब टाइम है इबादत का और इंशाल्लाह जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।